हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के शॉर्ट पेपर को डिस्कस करूंगा। ये एग्ज़ाम 30 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसा आपका पेपर आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप किसी एग्रीकल्चरल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो या आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर आपको सभी एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के कोर्सेस मिल जाएंगे। आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का कोर्स बाई कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस पे कोर्सेस अवेलेबल हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से आप कोर्सेस बाई कर सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको ASRB नेट सॉइल साइंस के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो अगर आप ASRB नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी सॉइल साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी। आप उन क्लासेस को देख सकते हैं जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो सॉइल साइंस का पेपर हुआ था उस पेपर में आपके दो पार्ट थे। पार्ट वन में आपका 30 क्वेश्चंस थे जो कि जनरल नॉलेज के थे, पेपर आपका बाईलिंगुअल था। और पार्ट बी में 70 क्वेश्चंस सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के आए थे। तो क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। अ वेब पेज कैन बी डिज़ाइंड बाई यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। एक वेब पेज पृष्ठ को निम्नांकित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन इंटरनेट कम्युनिकेशन कुकी इज यूज्ड फॉर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टोरिंग ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन ऑन सर्वर साइड फॉर इंटायर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच वन एमंग द फॉलोइंग प्राइजेस इज गिवन फॉर एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरस्कार कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्यूरिंग अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंड ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज। इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द इकोमार्क लेबल। फिफ्थ का जो उत्तर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो आपका इको मार्क होता है ये प्रोवाइडेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड गिवन बाय इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। दो ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्या है आपका। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर फॉर्मुलेटेड इन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इन 1972। सिक्स का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कास्ड बाई। जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये मेनली आपका कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। नेक्स्ट क्या है। दी मोल्टन रॉक बिलोंग सॉरी दी मोल्टन रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी के तल के नीचे पिघली चट्टान को कहते हैं, तो इनको आपका मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी टाइप ऑफ मैरिजेस वर देयर इन एनिशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे। इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 प्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर कंपेयर्ड डांडी मार्च एज द पेरिस मार्च ऑफ
नेपोलियन। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च को की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंटेंट इन द मोनाजाइट सैंड? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मोनाजाइट सैंड में पाया जाता है? 11 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यू राइफल विच वाज डिसाइडेड टू बी यूज इन प्लेस ऑफ ओल्ड राइफल इन 1857 इन इंडिया? भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का उपयोग किया गया करने का निर्णय लिया गया उसका नाम क्या था? 12 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एनफील्ड राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल द राग दर्पण वास ट्रांसलेटेड इनटू पारसियन? किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ? 13 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन टू वॉल्यूम्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन काल में किसने दो खंडों वॉल्यूम में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? तो इसका जो उत्तर है आपका वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रोमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन आर इनकॉर्पोरेटेड? संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? 15 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पार्ट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया केम इन टू एग्जिस्टेंस? भारत में प्रथम बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया? इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉम्बी लैंडिंग रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडिंग? इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अ बिजनेस ग्रुप हैविंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इन द इंटायर ग्रुप इज लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 21 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर? भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ए प्रावधान करता है? 18 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग का है, इसमें आपका कुछ पर्सनालिटीज़ दी हुई हैं और एरिया और ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, तो इसमें आपको मैच करना है। 19 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें इनको मैच करते हैं। जो आपका जगजीत पवाड़िया जी हैं ये इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड से संबंधित हैं, और जो आपके डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैं इनका संबंध आपका WHO से है। कल्पना कोचर का संबंध आपका जो है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन से है, और इजैक हर्ज़ोग का संबंध इजराइल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वान द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020 प्लेड इन 2021? क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, योंग कियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड लेफ्ट चाइना 17+1 एसोसिएशन इन मई 2021? तो 21 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ डे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट पर्सन? पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरी संकल्प योजना इन उत्तर प्रदेश इज इंटेंडेड टू?
इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज, इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रॉब्लम सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिसर्च प्रोसेस अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द सीक्वेंस एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरव्यू। 26 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे कहते हैं हिंदी में, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो 27 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। 28 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस इज नोन एज। 29 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राउजर। 30 नंबर क्वेश्चन, GPU स्टैंड फॉर द रेफरेंस टू द कंप्यूटर। 30 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपका पार्ट बी शुरू हो रहा है, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 70 क्वेश्चंस एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के जो पूछे गए थे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, एड pH वैल्यू बिलो JPC कोलॉइड इज। 31 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनरल दैट कंटेन्स K2SO4 पोटेशियम सल्फेट को किस में पाया जाता है, किस खनिज में पाया जाता है, ये पूछा गया है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा, लैंगबिनाइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट फॉर आइडेंटिफाइंग एसेंशियलिटी ऑफ बोरान इन प्लांट गोज टू। 33 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, सी स्प्रिंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज न्यूट्रिफिकेशन इनहिबिटर एज वेल एज स्लो रिलीज नाइट्रोजन सोर्स। 34 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डाइएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी काजेस स्टंटेड रूट सिस्टम इन प्लांट। 35 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी रोल ऑफ विच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। 36 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन टेक प्लेस बाई ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तो इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर फर्टिलाइजर कैन बी यूज्ड एज लिक्विड फर्टिलाइजर। 38 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अमोनियम पॉलीसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फर्टिलाइजर नाइट्रोजन इज अप्लाइड इन सॉइल लॉस ऑफ नाइट्रोजन थ्रॉट वोलेटिलाइजेशन ऑफ अमोनिया रेंजेस फ्रॉम। 39 का उत्तर आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 5-20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ NH4+ फिक्सेशन बाई ऑर्गेनिक मैटर इज मोर रैपिड इन सॉइल हैविंग रिएक्शन। 40 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्केलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल फॉर्म ऑफ सॉइल नाइट्रोजन इज। इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनसोल्यूबल ह्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक फ्री फैक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन सॉइल वाटर एंड राइजोस्फीयर एंड फिक्सेस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन इन इज। इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच वन ऑफ द ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिनाइट्रिफिकेशन। 43 का उत्तर आपका
ऑप्शन ए हो जाएगा, थायोबैसिलस थायोफोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसोसिएशन ऑफ टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज बेनिफिटेड व्हिल अदर रिमेंस अनअफेक्टेड इज नोन एज, इसको कहते हैं आपका कमेंशनलिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, हु क्वाइंट द टर्म फाइलोस्फीयर। 45 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ज़ुइनेन जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केलाइन फॉस्फेटेज इज सिक्रेटेड बाई। 56 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फ्लैग एंड एसोसिएट्स इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फार्मूला ऑफ ह्यूमिक एंड फल्विक एसिड। 47 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स इंक्रीजेस फॉस्फेट सॉल्युबिलिटी इन सॉइल। 48 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट एनारोब्स इज, निम्न में से अविकल्पी अवायुजीव का उदाहरण है। 49 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, थायोसिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच फंजाई अटैक लिग्निन सेलुलोज एंड रिलेटेड कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इंक्रीजेस नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फास्फेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट बायोमास इन सॉइल। 52 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन वाटर विथ 2.4 ग्राम पर लीटर TDS विल हैव सेलिनिटी। 53 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3.75 DS पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन एडिक्वेट क्वांटिटी इन एसिड सॉइल। अम्लीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है। 54 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिंक आयरन कॉपर मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर लीस्ट एल्यूमिनियम टोलरेंट प्लांट लाइम रिक्वायरमेंट कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग फार्मूला। 55 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइम रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 2 एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल एसिडिटी ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियस एंड हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड। 56 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सचेंजेबल एसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट इन द सॉइल अकर प्राइमरली इन डैश 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 पार्ट ऑफ प्लांट। 57 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रूट जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ एसिड सॉइल इन द कंट्री। अम्लीय मृदाओं का देश में अनुमानित क्षेत्रफल क्या है। तो 58 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 90 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन PE एंड EH। 59 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, PE इज इक्वल टू EH अपॉन 0.0591। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेलाइन अल्काली सॉइल आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी बाय USDA इन 1960। 60 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा,
एरिडिसोल एंड मोलिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग टर्मिनेशन ऑफ पोटेशियम द एयर प्रेशर ऑफ फ्लेम फोटोमीटर इज 61 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.4 to 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेट ऑक्सीडेशन फॉर एनालिसिस ऑफ प्लांट सैंपल HNO3, H2SO4 एंड HCIO4 इज मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 62 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10:1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री पार्टिकल आयनाइज्ड गैस प्लाज्मा इज, क्वेश्चन नंबर 63 जो है आपका, इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्गन। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट दैट वर्क ऑन ब्रैक्स लॉ इज, इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग विच फर्टिलाइजर कंटेन हाईएस्ट पोटेशियम, 65 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट मूव फ्रॉम सॉइल टू रूट ऑफ प्लांट बाय डिफ्यूजन आर, 66 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटेशियम एंड फास्फोरस। नेक्स्ट क्या है आपका, विच कैन रेडिली एक्यूमुलेट हैवी मेटल फ्रॉम सॉइल, 67 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हायर फंजाई। नेक्स्ट क्या है, विच क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस इज नॉट अ जनरल नॉट ए नॉलेज स्मार्ट इनोवेशन, 68 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट, 69 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, निकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉइल हेल्थ प्रेजेंट द सॉइल एस फिनाइट नॉन रिन्यूएबल एंड डायनामाइट लिविंग रिसोर्स इज स्टेटेड बाई, 70 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डोरान एंड जीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू रिकवर इट्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी आफ्टर अ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एस, 71 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉइल रिसाइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक मैटर प्रिवेंट्स लीचिंग लॉस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट बाई, 72 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चिलेट के द्वारा इसको प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन फील्ड वेयर क्रॉप रेसिड्यू आर एडेड माइक्रो एग्रीगेट्स फॉर्मेशन इज प्रमोटेड बाई, इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लोमालिन। नेक्स्ट क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वॉज स्टार्टेड ऑन, इसका उत्तर आपका हो जाएगा, 19 फरवरी 2015। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन इन इंडिया, 75 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 40। नेक्स्ट क्या है, वाटर सेट विच इज मैनेजिंग एन एरिया ऑफ 100 to 10,000 हेक्टेयर इज कॉल्ड, 76 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मिली वाटर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड विथ सीवियर इरोजन एंड पुअर ड्रेनेज इज क्लासिफाइड एज, 77 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लास फोर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन द स्लोप परसेंटेज रेंज इन क्लास फोर्थ सॉइल इज, तो इसका जो उत्तर है आपका 78 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 to 15%। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज नॉट बीइंग प्लेस्ड इन लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस, 79 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉइल। नेक्स्ट क्या है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन डैश 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 5 ईयर प्लान। 80 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 7th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सॉइल ऑर्डर इज नॉट फाउंड इन इंडिया। 81 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जेली शोल। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज वेदरिंग इंडेक्स ऑफ बायोलाइट। 82 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्या है, दी बॉडीज नोड्यूल्स कंक्रीशन और सेप्टेरिया एम्बेडेड इन एस मैट्रिक्स आर कॉल्ड एस। 83 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पेडोजेलिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग क्ले इन रिच बी होराइजन इज। 84 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लैसीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक होराइजन। 85 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑर्चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वल्नरेबिलिटी ऑफ द कॉमन प्राइमरी मिनरल इलस्ट्रेटेड बाय द स्टेबिलिटी सीरीज प्रपोज्ड बाय। 86 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोल्डिश 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल डेवलप्ड थॉट कैप्टर्बेशन ऑफ एकोमोडेटेड इन विच ऑफ द ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमी। 87 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जेली सॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज पेप्टी जिंक इफेक्ट इन सॉइल। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोडियम ह्यूमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डिस्पर्सन रेशियो टू द रेशियो ऑफ क्ले एंड मॉइस्चर इक्विवेलेंट रेशियो। 90 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इरोजन रेशियो। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड मे नॉट बी सुटेबल फॉर। इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉइल। नेक्स्ट क्या है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट ऑफ मोस्ट प्लांट चीजेस व्हेन ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट रीचेस लेस देन। इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 × 10⁻¹². नेक्स्ट क्या है, एमंग द फॉलोइंग सबस्टेंसेस विच हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम। 93 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ह्यूमस। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द सॉइल इज इन फुली सैचुरेटेड कंडीशन द एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस आर। 94 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्या है, विच मिनरल कंटेंस रेडली ऑक्सीडाइजेबल आयरन। 95 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ओलिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द फास्फोरस इन सॉइल आर। 96 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयरन एंड कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कैरियर हाइपोथेसिस फॉर आयरन अपटेक वाज प्रपोज्ड बाय। 97 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इपस्टीन 1953। नेक्स्ट क्या है, इफ एक्स इज अ लेयर चार्ज यूनिट फार्मूला एंड एम वन इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देन परमानेंट स्ट्रक्चरल चार्ज ऑन क्ले कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। 98 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म आल्सो कॉल्ड हाई एफिनिटी कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाई। इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एच टाइप। लास्ट क्वेश्चन है आपका,
सॉइल सिलिकेट हैविंग फ्रेमवर्क ऑफ टेट्राहेड्रा आर कॉल्ड, इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टेक्टो सिलिकेट। तो दोस्तों ये था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का शॉर्ट पेपर। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारी सॉइल साइंस की क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और आप एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ पर आपको डिफरेंट एग्रीकल्चर कंपिटेटिव एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।